हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको फुल कंसंट्रेट करते रहना है और रिलैक्स रहना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, बहुत साल पहले का बात बोल रहा हूं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो ग्रीस पे एक जगह है, ठीक है, उस जगह का नाम है मैग्नेशिया। ये एक प्लेस का नाम है, ठीक है, ग्रीस पे है ये जगह, मैग्नेशिया नाम का एक जगह है, ठीक है। एंड इस जगह पे स्टूडेंट्स एक ओर मिलता था, मतलब व्हाट इज ओर, आपको पता है ना स्टूडेंट्स, और एक पत्थर जैसा चीज होता है, ठीक है, पत्थर जैसा चीज होता है जिसमें से आप वैल्यूएबल मिनरल्स या मेटल्स निकाल सकते हो, ठीक है। सो एक ओर मिला, इस ओर का नाम है लोडस्टोन, ठीक है। ग्रीस के इस जगह पे एक ओर मिला, इसका नाम क्या है, लोडस्टोन। तो ग्रीक्स ने डिस्कवर किया, ये जो लोडस्टोन नाम का ओर है, इसके पास अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। दिस ओर कुड अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। ग्रीक ने ये डिस्कवर किया कि ये जो लोडस्टोन है, ये छोटा छोटा पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट कर सकता था। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, उसके काफी साल बाद चाइनीज ने ये डिस्कवर किया कि ये लोडस्टोन, इसको अगर हॉराइजेंटली सस्पेंड किया जाए, हॉराइजेंटली अगर उसको लटकाया जाए, तो इसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी बोला स्टूडेंट मैंने, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मतलब इसको अगर हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया जाए, चाइनीज ने ऑब्जर्व किया कि इस ओर को अगर हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया जाए, हॉरिजॉन्टली अगर लटकाया जाए, तो ये किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है बार बार, ठीक है। अगर डायरेक्शन बदल भी दे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आकर रुक जाता है। समझ में आ रहा है। तो देखा कि इसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। उसके कुछ साल बाद विलियम गिलबर्ट नाम का फिजिसिस्ट, उनके दिमाग में यह आया कि ये एक ऐसा चीज है जो खुद ब खुद डायरेक्ट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे आ जाता है। अगर हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया जाए, तो ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे आ जाता है खुद ब खुद। तो उनके दिमाग में आया कि शायद ये पूरा अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ये जो अर्थ है, शायद ये अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। समझ में आया स्टूडेंट्स, जो कि करेक्ट है। अभी हम लोगों को पता है कि यस, अर्थ इज अ मैग्नेट, इट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैग्नेट। सो मैग्नेट इज ए मैटर, ए मैग्नेट इज ए मैटर विच हैज अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स। और ये मैग्नेट नाम कहां से आया, या मैग्नेटिक लिख दिया क्या, सॉरी, मैग्नेटिक मैटर है जिसके पास अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। और ये मैग्नेट वर्ड कहां से आया, तो आपको समझ में आया क्या होगा, ग्रीस के इस जगह के नाम से, मैग्नेशिया के नाम से, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिज्म।
व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं मैग्नेटिज्म. समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, जो नेचुरली ऑकरिंग जो मैग्नेट होता है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है, जैसे कि लोडस्टोन, उनका शेप तो फर्स्ट ऑफ ऑल खराब होता है, ठीक है, क्योंकि पत्थर का होता है, पत्थर का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. और उनका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, अट्रैक्टिव हो या डायरेक्टिव हो, वो बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत स्ट्रांग नहीं होता. ठीक है तो स्टूडेंट्स, आयरन एंड इट्स एलॉय कैन बी मेड टू एक्ट लाइक अ मैग्नेट. ठीक है, आयरन या उसके एलॉय को मैग्नेट जैसा बनाया जा सकता है, जिनको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट. ठीक है, जिनका मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होता है और शेप भी अच्छा होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल दे रहा हूं? आर्टिफिशियल मैग्नेट, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा बार मैग्नेट. देखा ना फ्रेंड्स, ऐसे बार शेप का होता है. देखा होगा स्टूडेंट्स बार मैग्नेट. ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि मैग्नेटिक निडल ये भी देखा होगा, कुछ ऐसा होता है. ये स्टील से बनाया जाता है, स्टील को मैग्नेटाइज किया जाता है. ठीक है, मैग्नेटिक निडल, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जो मैन मेड है मतलब. ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूं, हॉर्स शू मैग्नेट. ठीक है तो स्टूडेंट्स, हॉर्स के पैर का जो टफ पार्ट है, ठीक है, हॉर्स का पैर बहुत ही टफ होता है. ठीक है, जो लोअर पोर्शन होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो उसको मतलब और हार्ड बनाने के लिए लोहे का एक शू जैसा पहनाया जाता है, कुछ इस शेप का एक लोहे का चीज पहनाया जाता है. तो ये हॉर्स शू मैग्नेट जो है, ये इसके शेप का होता है, हॉर्स शू के शेप का होता है, इसलिए नाम है हॉर्स शू मैग्नेट. इसका मतलब ये नहीं कि यही मैग्नेट हॉर्स के पैर में लगाया जाता है. ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट का शेप हॉर्स शू के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम है हॉर्स शू मैग्नेट. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. ठीक है, इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो काफी स्ट्रांग होता है. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखेंगे. नंबर वन, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट छोटा छोटा पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सबको अपने और खींच पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है. ठीक है, नेक्स्ट, और एक चीज, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा आयरन फिलिंग्स है. आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन का छोटा छोटा डॉट जैसा पार्टिकल्स, छोटा छोटा पार्टिकल्स, डॉट डॉट जैसा पार्टिकल्स. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बहुत सारा आयरन फिलिंग्स है और वहां पे मैंने एक बार मैग्नेट रखा. तो जैसे आप बार मैग्नेट को रखोगे स्टूडेंट्स, चारों ओर से आयरन फिलिंग्स आके मतलब आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होके आके चिपक जाएगा. अभी अभी मैंने बोला और आपको पहले से पता है ये सब चीज कि मैग्नेट आयरन के पार्टिकल्स को अपने ओर खींचता है. सो जैसे आप मैग्नेट को रखा यहाँ पे और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा आयरन फिलिंग्स है, आयरन का छोटा छोटा पार्टिकल्स है, तो पूरा सरफेस में, मैग्नेट के पूरा सरफेस में आके आयरन फिलिंग्स आके चिपक जाएगा, अट्रैक्ट होके आएगा, चिपक कर रहेगा. लेकिन स्टूडेंट्स, आप नोटिस करेंगे कि यहां पे और यहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट आके अट्रैक्ट होगा. ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट कंपैरेटिवली देखा जाए, बाकी जगह के कंपैरिजन में देखा जाए, तो यहां पे और यहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स आके अट्रैक्ट होगा. ठीक है तो स्टूडेंट्स, यहां पे और यहां पे है बेसिकली दो पोल्स. यहां पे दो एंड में है दो पोल्स, जहां पे अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जो है
वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है, ए मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स। ठीक है, हर एक मैग्नेट के पास क्या होता है, दो पोल्स होता है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब स्ट्रांग होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी समझ में आया। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, दो पोल्स कहते हैं, पोल्स। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट, नेक्स्ट नंबर टू, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट, और उसको मैंने सस्पेंड किया। ठीक है, मान लेते हैं कि एक थ्रेड का हेल्प से उसको मैंने हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर दिया, ऐसे लटका के रखा। तो जैसे आप लटका के रखोगे, ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे आके अलाइन हो जाएगा। बेसिकली अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, रफली या अप्रोक्सीमेटली उस लाइन पे आके रुक जाएगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नेट हैज टू पोल्स, ए मैग्नेट हैज टू पोल्स। तो स्टूडेंट्स जो पोल, अभी तो बोला, अभी तो पढ़ा ना कि मैग्नेट हैज टू पोल्स, तो मैग्नेट का जो पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होगा, मैग्नेट का जो पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होगा, उस पोल को हम लोग कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल, और सिंपली नॉर्थ पोल। ठीक है, और जो पोल ज्योग्राफिक साउथ की ओर होगा, जो पोल ज्योग्राफिक साउथ की ओर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, उस पोल को हम लोग बोलेंगे साउथ सीकिंग पोल या सिंपली आप बोल सकते हो साउथ पोल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि एक मैग्नेट को अगर आप सस्पेंड कर दोगे तो वो रफली क्यों बोला, वो भी आगे जाके समझ में आएगा, वो रफली अर्थ के ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है, अर्थ के ज्योग्राफिक एक्सिस की ओर अलाइन हो जाता है। ठीक है, जो पोल मैग्नेट का जो पोल अर्थ के साउथ की ओर होता है, ज्योग्राफिकल साउथ की ओर होता है, ज्योग्राफिकल साउथ की ओर होता है, उसको हम लोग कहते हैं साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल। और जो पोल नॉर्थ की ओर होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थ्री, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये एक बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है, और इसको ऐसे ही सस्पेंड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप एक दूसरा बार मैग्नेट लेंगे, ठीक है, और उसके नॉर्थ पोल को नॉर्थ के पास लाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, आप एक दूसरा मैग्नेट लिया और नॉर्थ को नॉर्थ के सामने रखा, तो आप देखोगे कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, या साउथ को साउथ के सामने रखोगे तो देखोगे रिपेल हो रहा है। लेकिन अगर आप साउथ नॉर्थ के सामने रखते हो या नॉर्थ पोल को साउथ के सामने रखते हो तो देखोगे अट्रैक्ट होता है। तो ठीक है, तो क्या समझ में आया कि लाइक पोल्स रिपेल, मतलब नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, मतलब नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होगा। समझ में आया। नेक्स्ट नंबर फोर, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स।
मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो स्टूडेंट्स ये वाला प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बार मैग्नेट, लेट अस कंसिडर दिस एज अ बार मैग्नेट, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। अगर आपने सोचा कि मुझे नॉर्थ एक ऐसा बार ऐसा मैग्नेट चाहिए जिसपे सिर्फ नॉर्थ पोल हो, ठीक है, और उसके चक्कर में आपने क्या किया, इसको तोड़ दिया बीच में से, ऑब्वियसली तोड़ा जा सकता है, ठीक है, आपने बीच में से ऐसे इसको तोड़ दिया, ठीक है, तो आपको शायद लगेगा कि ये तो सिर्फ नॉर्थ रह गया और यहां पे सिर्फ साउथ रह गया, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, देखा गया कि इस पे फिर से साउथ आ गया खुद ब खुद और इस पे आ गया नॉर्थ। इसको आप फर्दर ब्रेक करोगे तो हर एक पीसेस में जो भी पीस होगा उसमें नॉर्थ साउथ रहेगा, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो यहां से आपको ये चीज याद रखना है कि मैग्नेटिक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। चार्ज के केस में जैसे कि आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिलता है, ठीक है ना, अलग अलग मिलता है, ठीक है, दिस इज अ पार्टिकल विच हैज नेट पॉजिटिव चार्ज और दिस इज अ पार्टिकल विच हैज नेट नेगेटिव चार्ज, ऐसा मिलता है। बट इन केस ऑफ मैग्नेट आपको एक ऐसा मैग्नेट नहीं मिल सकता जहां पे सिर्फ नॉर्थ पोल हो या जहां पे सिर्फ साउथ पोल हो। तो ये लाइन आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एवरी मैग्नेट हर एक मैग्नेट एग्जिस्ट एज डाइपोल, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ऑब्वियसली हर एक चीज याद रखना है। तो हर एक मैग्नेट जो होता है हमेशा डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, मतलब उस पर नॉर्थ भी रहेगा और साउथ भी रहेगा, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैंने थर्ड एक्सप्लेन किया लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, और फोर्थ वाला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है, हमेशा नॉर्थ साउथ दोनों रहेगा, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि हमेशा डाइपोल के फॉर्म में रहेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा मैग्नेटिक इंडक्शन, सो नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। सो स्टूडेंट्स अगेन दिस इज अ बार मैग्नेट, लेट अस कंसीडर दिस एज अ बार मैग्नेट, ठीक है, और ये मान लेते हैं दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कैसे, अगर आप इसको आइसोलेट करके देखोगे, इस मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप आइसोलेट करके देखोगे तो इसके पास कोई साउथ पोल या नॉर्थ पोल नहीं रहेगा, बट जैसे आप इसको सामने लाते हो दिस मैग्नेट कैन अट्रैक्ट दिस सॉफ्ट आयरन मटेरियल और दिस मैग्नेटिक मटेरियल, बट हाउ। तो स्टूडेंट्स ये मैग्नेट जो है इस मटेरियल पे पोल इंड्यूस करेगा, या आप बोल सकते हो मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा, इसलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेट जो है इस मैग्नेटिक मटेरियल पे मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा, इंड्यूस करके ये वाला पोल, ठीक है, इसको बना देगा साउथ, ठीक है, और ये बन जाएगा खुद ब खुद नॉर्थ, बना के इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अभी वी नो दैट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, वी नो दैट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो इस पे मैग्नेटिज्म इंड्यूस करके नॉर्थ के सामने रखोगे तो ये यहां पे क्या पोल खुद ब खुद इंड्यूस हो जाएगा साउथ, और इंड्यूस करके अट्रैक्ट कर लेगा, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर यहां पे आप रखोगे
तो यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ, और यहाँ पे खुद ब खुद क्या आ जाएगा, साउथ, बना के उसको अट्रैक्ट कर लेगा. सो दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, अगर आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास रखते हो तो उस पर मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है पहले, उसके बाद उसको अट्रैक्ट कर लेता है. समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रियलाइज किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज किया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद है ना स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या था? सो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे, ठीक है, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो ऑब्वियसली वो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. उसके बाद वो जिस पाथ से जाना चाहेगा, दैट पाथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ये आप लोगों को पता है. सिमिलरली स्टूडेंट्स, टू रियलाइज मैग्नेटिक फील्ड, टू विजुअलाइज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हेल्प लिया जाता है. ठीक है, सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन? सो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड पे नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड पे नॉर्थ पोल, वहां पे क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज बोला था. यहां पे नॉर्थ पोल जिस पाथ से जाना चाहेगा, नॉर्थ पोल जिस पाथ से जाना चाहेगा, दैट पाथ इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन. समझ में आया स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैग्नेट के सामने, एक बार मैग्नेट के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, एक बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा और आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसको बाद में देखेंगे यहां पे क्या लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बार मैग्नेट. ठीक है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहां पे आप मैग्नेटिक निडल लेंगे. मैग्नेटिक निडल पता है ना, ऐसा छोटा छोटा होता है, बॉक्स के अंदर होता है, छोटा छोटा बॉक्स के अंदर ऐसा नीडिल होता है, देखा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने. ठीक है ना, एक नॉर्थ होता है, एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल होता है. ठीक है ना, तो आप यहां पे रखेंगे नीडिल को, उसके बाद यहां पे, उसके बाद यहां पे, तो आपको पता चल जाएगा कि नीडिल जो है उसका नॉर्थ पोल जो है वो एक पार्टिकुलर पाथ से जाना चाहता है. ठीक है, यहां पे रखोगे तो देखोगे कि नीडिल कुछ ऐसा है, यहां पे रखोगे तो देखो कि निडल कुछ ऐसा है, यहां पे रखोगे तो देखो कि निडल कुछ ऐसा है, उसके बाद आप देखोगे ऐसा है, तो आपको पता चल जाएगा. जैसे आप निडल को यहां पे रख के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा मूव करवा के रखोगे निडल को, मैग्नेटिक निडल को, आपको पता चल जाएगा कि ये तो किसी पार्टिकुलर पाथ से जाना चाहता है नॉर्थ पोल. मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो तो किसी एक पार्टिकुलर पाथ से जाना चाहता है. दैट पाथ इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन. दैट पाथ इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया तो देख लेते हैं क्या लिखा मैंने. मैग्नेटिक फील्ड लाइन मे बी डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव इफ फ्री टू डू सो. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्टूडेंट्स. Properties of magnetic field lines. Number one, magnetic field lines form continuous closed loops. इसको underline करना है, closed loops. Students, आपको याद होगा कि electric field line never form closed loops. ठीक है, electric field line कभी भी closed loop form नहीं करता. पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव पे खत्म होता है. खत्म, इट स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. ठीक है, घूम के नहीं जाएगा, क्लोज्ड नहीं होगा, लूप फॉर्म नहीं करेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लोज्ड लूप नहीं होगा. लेकिन अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स.
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पे शुरू या कहीं पे खत्म नहीं होता स्टूडेंट्स, हमेशा क्लोज्ड होता है, हमेशा क्लोज्ड होता है. फॉर एग्जांपल यहां पे दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स. सो मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर प्लीज ध्यान देना है, मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, उसके बाद बाहर नॉर्थ टू साउथ, लाइक दैट. ठीक है, खत्म नहीं होता है. ऐसा नहीं कि साउथ पे शुरू नॉर्थ पे खत्म या नॉर्थ पे शुरू साउथ पे खत्म, ऐसा नहीं है. क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड. ठीक है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होता है डायरेक्शन. समझ में आ रहा है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ. जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो, दीज आर ऑल क्लोज्ड. ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड हो जाएगा, बहुत घूम के आएगा, ये भी क्लोज्ड होगा, ये भी क्लोज्ड होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. आया समझ में स्टूडेंट्स, इनसाइड द मैग्नेट और बाहर नॉर्थ टू साउथ. जैसे कि आप देख सकते हो साउथ टू नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ टू साउथ, लेकिन they always form closed loops. आया समझ में स्टूडेंट्स, आया. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी से थोड़ा अलग है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर टू, ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी, वहां पे भी आपने पढ़ा, इसलिए इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अगर आपका क्लियर है तो ये चीज आपके लिए काफी इजी होगा. ठीक है, मतलब आगे जाके आपको पता चलेगा कि काफी चीज आपके लिए इजी होता है. स्टूडेंट्स नंबर टू, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कहीं पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट क्या शो कर रहा है, इस पॉइंट पे मैंने ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे क्या शो कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है. सिमिलरली यहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. अब जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट आपको उस पॉइंट का नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा. आया समझ में स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स अभी हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स Do not intersect. ठीक है, तो ये हम लोगों ने सिमिलरली हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट. तो अगर इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, मान लेते हैं दीज आर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और इंटरसेक्ट हो गया, तो क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे. ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, और दो टेंजेंट दो डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा एक ही पॉइंट पे. तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है क्या? नो, दैट मींस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट. समझ में आया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट नंबर फोर, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives a measure of the strength of the magnetic field. ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को शायद पता है ऑलरेडी, शायद नहीं पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे भी था ना ये. तो अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास पास है, कहीं पे अगर किसी भी रीजन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास पास है, इसका मतलब वो रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है. ठीक है, और किसी रीजन पे अगर थोड़ा दूर दूर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच में गैप ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक है. समझ में आया स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स अभी अभी हम लोगों ने एक बार मैग्नेट, जिसको आप मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हो क्योंकि इसमें दो पोल्स होता है, इसका हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में स्टडी किया. इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसा होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना, वो हम लोगों ने देखा. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल.
जिसको आप करंट लूप भी बोल सकते हो. दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल और करंट लूप. ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम लोगों ने इन द लास्ट चैप्टर यानी कि इन द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एट इट्स सेंटर एंड एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हम लोगों ने निकाला था, आपको याद होगा. एंड उसी चैप्टर का लास्ट क्लास यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें मैंने पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ वाला क्लास, उसमें मैंने सोलेनोइड पढ़ाने से पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को लेके भी डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू कंपेयर दिस टू, दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल और करंट लूप, आप देखोगे कि इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड सेम है. इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड सेम है. दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि एक करंट कैरिंग लूप या एक करंट लूप या करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि एक मैग्नेटिक डाइपोल का जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका भी ठीक वैसा ही होता है. सो यू कैन से ए करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल. समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ इफ इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप देख सकते स्टूडेंट्स, देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, साउथ से नॉर्थ. इसका मतलब यहां पे अगर इस ओर है तो मतलब यहां से जो पोल दिखेगा दैट विल बी साउथ और यहां से जो पोल दिखेगा दैट विल बी नॉर्थ, जिसके बारे में मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स, आपको याद होगा. जो फेस, जिस फेस से आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, जिस फेस से आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा दैट फेस बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, पता है ना स्टूडेंट्स? एंड जिस फेस से आपको क्लॉकवाइज करंट दिखेगा दैट फेस बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल, याद है ना स्टूडेंट्स? प्लीज कॉन्सेंट्रेट. तो यहां पे करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो ऊपर से आप देखोगे तो ऐसे घूमेगा, तो ऊपर से क्या दिख रहा है? ऊपर से दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज. दैट मीन्स कैसा पोल? नॉर्थ पोल. समझ में आया? सो जिस फेस से आप देखोगे कि करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है दैट फेस बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, मतलब आप ऊपर से क्या पोल देखोगे इस केस में? नॉर्थ पोल. समझ में आया? अगर आप नीचे से देखोगे तो करंट को ऐसे घूमते हुए देखोगे, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हुए देखोगे. सो नीचे से क्या पोल है? साउथ पोल. तो स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है, ठीक है? आपको आंसर करना है. एक करंट कैरिंग कॉइल पे नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे आ गया? एक करंट कैरिंग कॉइल पे या एक करंट लूप पे नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे आ गया? बिकॉज उसका मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच होता है. समझ में आया? तो इसका अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोग दे सकते हैं. ये वाला क्या लिखा मैं एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स. ए करंट लूप प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइक दैट ऑफ अ बार मैग्नेट. एक करंट लूप प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइक दैट ऑफ ए बार मैग्नेट. एक बार मैग्नेट का जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है एक करंट लूप का, करंट लूप मतलब दिस वन करंट कैरिंग कॉइल, उसका भी सेम मैग्नेटिक फील्ड होता है. दस हैज एसोसिएटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इसलिए इसके साथ भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एसोसिएट किया जा सकता है. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया. यहां पे देख सकते हो आप साउथ से नॉर्थ, तो यहां पे भी क्या होगा? साउथ से नॉर्थ होगा.
यहां पे भी क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। तो इसको हम लोगों ने ऐसे याद किया कि जिस फेस से, जिस फेस पे मुझे क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, दैट फेस विल बिहेव लाइक साउथ पोल। इसको आप नीचे से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। सो हम लोग याद रखेंगे कि दैट फेस बिहेव लाइक द साउथ पोल। और जिस फेस से मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, जैसे कि यहां पे ऊपर से क्या दिखेगा, ऊपर से क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट फेस बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? द करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अभी हम लोग एक चीज थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर से टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। दिस इज अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है, जिसको आप मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो। अभी अभी मैंने समझाया, तो दिस इज अ करंट कैरिंग लूप जिसका रेडियस है आर, जिसका सेंटर है ओ, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ठीक है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। इसी एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया पी, वो पॉइंट पी कहां पे है, इसका दूरी इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज ए। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सियल पॉइंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप। यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी निकाल चुका हूं स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं ये एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ बायोट शेबार्ट, लो आपको याद होगा। स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट, हम लोगों ने एक स्पेशल केस देखा था, उसी स्पेशल केस को लेकर थोड़ा बात करना है। तो स्पेशल केस था इफ पॉइंट पी लाइज फार अवे। ठीक है, अगर पॉइंट पी जो है वो अगर काफी दूर हो, तो इन दैट केस पॉइंट पी का दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल इज ए। पॉइंट पी का दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल इज ए। ठीक है, समझ में आया? तो पॉइंट पी अगर दूर होगा तो ए विल बी मच मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द रिंग। समझ में आया स्टूडेंट्स? या आप ऐसे ना बोल के ऐसे भी लिख सकते हो कि रिंग का या कॉयल का जो रेडियस है वो बहुत ही कम है, तब भी यही कंडीशन आएगा, एक ही बात होगा घुमा फिरा के। ठीक है, सो इफ पॉइंट पी लाइज फार अवे देन ए इज मच मच ग्रेटर देन आर। पॉइंट पी दूर चला जाएगा तो ए का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये वाला क्या फॉर्म लेगा। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस। स्टूडेंट्स आर इज मच मच स्मॉलर देन ए, और यू कैन से ए इज मच मच ग्रेटर देन आर। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत छोटा है, तो इतना छोटा वैल्यू को ऐड करके क्या फायदा ना, इतना छोटा वैल्यू को ऐड करने से कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। स्टूडेंट्स मुझे पता है कि मैं ये करवा चुका हूं, फिर भी थोड़ा कंसंट्रेट करना जरूरी है। सो ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ए क्यूब ना। स्टूडेंट्स अगर आपको मैं पूछूं इस कॉयल का एरिया क्या है, इस कॉयल का एरिया क्या है, सो एरिया ऑफ द कॉयल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर रेडियस इज आर। तो एरिया ऑफ कॉयल, ये एक सर्कुलर कॉयल है, तो इसका रेडियस क्या होगा, सॉरी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट प्लीज कॉन्सेंट्रेट, सो बी इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नो। तो ऊपर एरिया का ए लिखते हैं, नीचे पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नो। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू, ठीक है, या आप चाहो तो यहां पे बी एक्सियल भी लिख सकते हो, बी एक्सियल। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2/4 मैंने लिखा, मतलब मैंने 2 एक एक्स्ट्रा लिख लिया, तो ऊपर भी 2 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नो। आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, सो 2 एन
आई ए बाई ए क्यू, समझ में आया स्टूडेंट्स? म्यू नॉट आई बाई, म्यू नॉट बाई फोर पाई, म्यू नॉट बाई फोर पाई, तो पाई तो लिखा मैंने, और टू था, मैंने टू पर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, सो टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर, ए क्यूब रह गया, और क्या रह गया, ऊपर जो मैंने टू मल्टीप्लाई किया टू एन आई ए। स्टूडेंट्स इसको हम लोग याद रखेंगे, अभी मैं इसको यूज करूंगा दो मिनट में, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग कॉयल और ड्यू टू अ करेंट लूप, ठीक है, विच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल at an axial point lying far away from the coil, ठीक है, at an axial point lying far away from the coil. आप चाहो तो यहाँ पे axial लिख सकते हो, axial point कहाँ पे, काफी दूर, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा इफ पॉइंट पे लाइज फार अवे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसको याद रखना है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी, ठीक है स्टूडेंट्स? अभी आपको थोड़ा ध्यान देना है, सो स्टूडेंट दिस इज अ करेंट कैरिंग कॉइल जिसको आप मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो, उसके लिए फार अवे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, ये वाला अभी मैंने डिस्कस करके आया था, ठीक है ना स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में था, दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये है एक्सियल पॉइंट पी, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल, ये एक्सियल पॉइंट, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पॉइंट, यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, ठीक है, जब पॉइंट पी काफी दूर था, या आप बोल सकते हो डाइपोल बहुत ही छोटा है, शॉर्ट डाइपोल है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था स्टूडेंट्स? यहां पे आया था 1/4πε0 2πr³, ठीक है, यहां पे हम लोगों ने डिस्टेंस लिया a, यहां पे हम लोगों ने डिस्टेंस लिया था r, ठीक है ना स्टूडेंट्स? यहां पे हम लोगों ने डिस्टेंस लिया a, यहां पे हम लोगों ने डिस्टेंस लिया था r, यहां पे भी r ले सकते थे, रेडियस r ले लिया इसलिए हम लोगों ने r नहीं लिया, समझ में आया ना स्टूडेंट्स? अगर आप ध्यान दोगे इन दोनों रिलेशन में काफी सिमिलरिटी है, कैसे, 1/4πε0 कॉन्स्टेंट, म्यू नॉट बाय 4π कॉन्स्टेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंस भी सेम है स्टूडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंस यहां पे आप देख सकते हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब, ए ना बोल के डिस्टेंस बोलता हूं, ठीक है, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब, यहां पे भी देखो आप, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब, समझ में आया, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है। नेक्स्ट, व्हाट इज पी स्टूडेंट्स? इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, याद होगा आपको, व्हाट इज पी, इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहां पे अगर मैं आपको पूछूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जगह पे यहां पे क्या है, ठीक है, आप बोलोगे इट इज एन आई ए, रेस एन आई ए, समझ में आया स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे यहां पे क्या है, एन आई ए है। चलिए और थोड़ा डिस्कस करते हैं, यहां पे आइए स्टूडेंट्स, वी नो दैट ए करेंट कैरिंग कॉयल, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ए करेंट कैरिंग कॉयल, और कॉयल स्टूडेंट्स हमेशा सर्कुलर हो, जरूरी नहीं है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए करेंट कैरिंग कॉयल एक्सपीरियंसेस टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, पता है ना स्टूडेंट्स हम लोगों को, एक करेंट कैरिंग कॉयल को अगर मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाए तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, क्या था स्टूडेंट टॉर्क का एक्सप्रेशन, एन आई बी ए साइन थीटा, याद होगा आपको, याद है ना स्टूडेंट्स? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन आई ए बी साइन थीटा, यस ऑब्वियसली लिख सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग को ये भी पता है एक करंट कैरिंग कॉयल
करंट कैरिंग कॉइल मतलब क्या? करंट कैरिंग कॉइल बोलते दिमाग में आ जाना चाहिए वो मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग कॉइल बोलते दिमाग में क्या जाना चाहिए? मैग्नेटिक डाइपोल। अभी अभी दिखा क्या है स्टूडेंट्स, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूं कॉइल जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स हियर अगेन, an electric dipole experiences torque in electric field। याद होगा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा जाए तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर रखा जाए ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म में भी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन हम लोगों ने यूनिफॉर्म में रख के टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला था। आपको याद होगा क्या आया था टॉर्क का एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, पीई साइन थीटा आया था, याद होगा आपको। यस, सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल इसके जगह पे आप लिख सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स, फिर से देखोगे देयर इज सिमिलरिटी साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जगह पे क्या है एनआईए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे क्या है एनआईए, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे क्या है एनआईए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि रिलेशन में काफी सिमिलरिटी है, तो क्यों ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे जो है इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोला जाए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल, यह करंट कैरिंग कॉइल विच इज मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो मैग्नेटिक डाइपोल का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक्सप्रेशन आप देख सकते हो सिमिलर है। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक डाइपोल या आप बोल सकते हो करंट कैरिंग लूप को भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट असाइन किया गया। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। प्लीज कंसंट्रेट। सो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एन आई ए, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, और यू कैन से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप विच इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय ए, क्या है एरिया ऑफ द कॉइल। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है तो मैग्नेटिक डाइपोल का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। और कंपेयर करके क्या देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे क्या है एनआई है, सो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे क्या है एनआई है, सो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया, आ गया। और थोड़ा ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूनिट क्या है देख लेते हैं, उसके बाद इसका डायरेक्शन भी देख लेंगे। तो इसका यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इट्स एन इज नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट नहीं है, सो आई मल्टीप्लाइड बाई ए, आई इज करंट तो करंट का होगा एम्पियर, और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन बोलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको करंट कैरिंग लूप का एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना आता होगा,
करंट कैरिंग लूप का एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना आता होगा। क्या था? करंट की ओर फिंगर्स को घुमा दो राइट हैंड का, ठीक है, और फिंगर्स पॉइंटेड किस ओर होगा? करंट की ओर। तो आपका थंब जो होगा, एक्सटेंडेड थंब जो होगा, वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में ही होगा स्टूडेंट्स, सेम रूल यूज करके सेम डायरेक्शन में ही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फॉर एग्जांपल इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस ओर होगा? करंट ऐसे जा रहा है तो इस ओर, जिस ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एट एक्सियल पॉइंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? या बहुत जगह पे देखोगे आप साउथ टू नॉर्थ भी लिखा हुआ है, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, तो सही है, सही है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ना, इस ओर, इस ओर। तो याद रखना है, कैसे निकाला? ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है तो थंब किस ओर है? इस ओर। तो एक्सिस पे, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, वही होगा डायरेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। रूल भी सेम ही है, समझ में आया फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्या बोला मैंने, साउथ टू नॉर्थ भी बोला जा सकता है, तो सही है। अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, क्लॉकवाइज, तो मेरे और क्या पोल है? साउथ पोल, ठीक है। और इधर से अगर कोई देखेगा, इधर से, ठीक है, यहां पे कोई किसी का आंख है, उसको क्या दिखेगा? नॉर्थ पोल। मैं अगर क्लॉकवाइज देख रहा हूं तो उसको क्या दिखेगा? इसको क्या दिखेगा? इसको, इस मार्कर को क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो उधर से क्या होगा? नॉर्थ पोल। तो साउथ से नॉर्थ, सही तो है डायरेक्शन, मेरे और साउथ, मेरे और साउथ, उसके और नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ, सही है, ठीक है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इनसाइड द मैग्नेट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इसके जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो, बी एक्सियल इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई टू आइस एम बाय आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब नहीं, ए क्यूब, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट यहां पे भी टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा लिख सकते हो। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, टॉर्क को हम लोगों ने लिखा था लास्ट में एम क्रॉस बी, मैंने बोला था बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और यहां पे ये वाला वेक्टर फॉर्म में क्या था? पी क्रॉस ई, यहां पे एम क्रॉस बी, यहां पे पी क्रॉस ई। समझ में आया फ्रेंड्स? आया? आया। तो यहां पे आप वेक्टर साइन देना चाहो दे सकते हो। मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर वेक्टर दिया और एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वेक्टर दिया। क्यों दिया? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। अभी अभी मैंने बोला कि करंट कैरिंग लूप का एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। समझ में आया ना स्टूडेंट्स?